नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस सोनू सिंह। हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों के आंदोलन का आज 55 दिन हो चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए कह दिया है, और साथ ही साथ में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के बनाने के बावजूद भी जो है किसान भाई लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी की जो पूरी तैयारी जोर शोर से की जा रही है, उसको लेकर के बड़ा एक शंका जताई जा रही थी कि क्या वाकई में दिल्ली जाने दिया भी जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है तो किसान भाई क्यों ना मना सकते हैं, क्योंकि इसी देश का त्यौहार है तो किसान भाई भी इसी देश के हैं तो उनको भी मनाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, और सरकार ने भी यह साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली पुलिस जो है इसको पूरा संभाले, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएसपी न्यूज में। 26 जनवरी की जो है पूरी तैयारी आप लोग जोर शोर से कर रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली में जाने दिया जाएगा आप लोगों को? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक शेर से कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो अब सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। ये अब लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये हमारी राष्ट्रीयता का ये प्रमाण मांग रहे हैं। आप बताइए, राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए, राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए हमें इस देश की सरकारों से पूछना है? हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष से पूछना है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारी अब अस्मिता की लड़ाई है। और सबसे जो दुख की बात है, मैं जो है 70 से ज़्यादा जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको जो है हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि चौकीदार जैसा निर्दयी प्रधानमंत्री, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जो अपने आप को किसानों के इतने बड़े हम रहनुमा दिखाते हैं, मैं समझता हूं उनका जो है काला चेहरा आज हिंदुस्तान की जनता, आज हिंदुस्तान का आवाम जो है वो देख रही है। आप ये बताइए, संवेदनहीनता और अनैतिकता की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में कोई मर जाता है तो ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी चुनाव के रैलियों के भाषणों को ट्वीट करते हैं, लेकिन क्या इस देश के किसान का इतना भी अधिकार नहीं है उनके ऊपर कि वो अपनी संवेदना जाहिर कर पाए? आपने बताया 120, मैंने 70 बताया, आपने बताया 120। लगातार हमारे किसान मर रहे हैं, और बैक ऑफ द स्टेज आप दिखाइए, कैमरा पैन करके दिखाइए कि हमारी एम्बुलेंस की डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार 3 किसान जो है वो थोड़ी क्रिटिकल है, उनके सांस उसमें दिक्कत आ रही है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना निर्दयी हो गया, जिसको जनता ने सर माथे पे बैठाया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, 121 करोड़ लोगों का मालिक बनाया, ये निर्दयी? आप बताइए आखिर कैसे देखते हैं आप कि पूरा जो पल रहा है वो दिल्ली पुलिस पे सौंप दिया गया है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली पुलिस संभाले, तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस आप लोगों को खूबी जाने, क्योंकि ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि कितने ट्रैक्टर जाएंगे, नहीं जाने देंगे, या फिर जो है कौन आदमी जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ तक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है? दिल्ली पुलिस जो है, अगर आप पता करेंगे तो बागपत और हरियाणा के 70% लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, और वो किसके बच्चे हैं? वो ये इन्हीं किसानों के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। आज उनके आंखों में आंसू हैं कि वो यही तो मेन मुद्दा है कि ये सरकार जो है बाप और बेटे को लड़ा रही है। अभी तक तो ये धर्म को लड़ा रही थी, अब ये बाप बेटे को लड़ा रही है। आप देखिए, फौज में कौन है, किसका बेटा जाता है? अंबानी का बेटा जाता है? नहीं। अंबानी का बेटा जाता है? नहीं। अमित शाह का बेटा जाता है? नहीं। फौज में किसान का बेटा जाता है, हिंदुस्तान के किसान का बेटा जाता है, मजदूर के बेटा है। आज आपने इतनी गंदी राजनीति कर दी। आप गोरखपुर से आए हैं, सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो है घोषित आपातकाल लगा हुआ है, किसान भाई घर से नहीं निकल सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री के शहर से हूँ, मैं मुख्य गोरखपुर से मैं हूँ, मेन गोरखपुर से हूँ, और मैं आपको बताऊं कि इस समय हमने आज से 3 महीने पहले जब ये लॉ अभी बिल था, तब हमने जो है गोरखपुर नगर निगम कार्यालय पे हमने जो है धरना दिया था, दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। मेरी ये जो है ये चेन टूटी हुई है, मैंने इसको फिर से बनवाया, पुलिस ने इसको पकड़ के खींच के। दमन का सबसे बड़ा उदाहरण आज अगर कोई प्रदेश बन चुका है तो वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। आप जाके देखिए, ये बॉर्डर पे यहाँ पुलिस रात में 3-3 बार DIG साहब आते हैं, यहाँ पे निरीक्षण करके जाते हैं, टेंटों में ऐसे खोल के, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई चोर डकैत आतंकवादी हैं।
एनआईए आपने देखा अभी हाल में हमारे 40 किसान नेताओं को एनआईए, तुम आतंकवादी पकड़ने के लिए तो एनआईए नहीं लगाए, 3 टन आरडीएक्स कैसे हिंदुस्तान की सीमा में घुसा, टकराया, पुलवामा हुआ, इस पे तुमने एनआईए नहीं लगाया, तुमने एनआईए लगा दिया किसानों पे, गरीबों मजदूरों पे। ऐसी स्थिति में जो है किसान भाइयों पे जो है 40 ऐसे नेता हैं जिन पे एनआईए की बार बार जांच बैठाई जा रही है, और कैसे देखते हैं कि क्या जांच पड़ताल करके इससे क्या निकालना चाहते हैं? दिस द एंटायर जो भी जांच है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ये इस आंदोलन को दबा के कुछ, आप बताइए एनआईए को इस सरकार ने यूएपीए जैसे ऐसे ऐसे कानून दे दिए हैं कि सड़क पर चल रहा हुआ व्यक्ति को भी वो आतंकवादी घोषित करते हैं, उसकी संपत्तियां जब्त कर लेते हैं। एनआईए इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दिस गवर्नमेंट हैज, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी इस देश को क्या बनाना चाह रहे हैं, इसको खोखला करते चले जा रहे हैं। जी आखिर में है सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि हम जो इस बिल को रद्द नहीं करेंगे, किसान भाई ये कह रहे हैं कि जब तक वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, 120 से ज्यादा किसान भाई जो है वो शहादत दे चुके हैं अपनी, तो क्या लड़ाई है जो संघर्ष इस तरीके चलने वाला है? मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि अरे एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये तो अनपढ़ जाहिल, इनकी डिग्रियां इनके पास नहीं है, ये सरकार में बैठे हैं, ये कैसे इनको पता है? इनसे पूछे कि तीनों नियम क्या हैं, व्हाट आर द 3 लॉज, इनके किसान जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे, उन नरेंद्र सिंह तोमर, इनसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि ये बताओ सर व्हाट आर ऑल द 3 लॉज, ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, वो नाम नहीं ले पा रहे हैं कि वो 3 लॉज क्या है, ये हमें बताएंगे कि इसके परिणाम और दुष्परिणाम क्या हैं, जिनको लॉज ही नहीं पता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं किसान भाई अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, उनको यही नहीं पता किस कौन सी मांग है जो लेकर के बैठे हैं, कभी पराली की बात करते हैं, कभी किसी बात करते हैं। सोनू जी यहाँ पे प्रधानमंत्री को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ पे आइए प्रधानमंत्री जी, और यहाँ पे मुझसे नहीं, यहाँ जितने भी खड़े हैं एक एक व्यक्ति से आप डिबेट नहीं कर पाएंगे, आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। क्यों नहीं मिला पाएंगे? क्योंकि आपके मन में चोर है, क्योंकि आपके मन में चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये बताइए दिल्ली से गाजीपुर की बॉर्डर की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? 15-20 किलोमीटर है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर प्रधानमंत्री जी आए तो कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट भी नहीं लगेगा। चाइना जो है लगातार देखा जा रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू घुस रहा है अंदर, लेकिन किसान भाई दिल्ली घुस नहीं रहा है, उसने अपनी कॉलोनी बनानी, गांव बना दी। 56 इंच का सीना का दावा करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किस बिल में है, कौन सा सीना है आपका? इससे तो अच्छा है कि सर आप त्याग दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सर प्लीज त्याग दीजिए, लेकिन इस देश पे हम कब्जा नहीं होने देंगे। अभी क्या बातचीत हुई है? आप बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस से कुछ बातचीत हुई है। देखिए टिकैत जी की बातचीत हुई है, और ये अब क्या कर रहे हैं, ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ टोटल ब्लेम गेम। ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट उधर से कह दे रहा है हम सरकार को दे देंगे, सरकार कह रही है हम दिल्ली पुलिस को दे देंगे। आप ये बताइए, लॉजिक बताइए कि सरकार चला कौन रहा है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अंदर में, तो दिल्ली पुलिस की ये हिम्मत होगी कि केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी? और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि सर राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, आप आइए हमारे साथ, मनाइए हमारे साथ, हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि 25,000 झंडे हम दे रहे हैं। तुम वहाँ केंद्र में बैठे हुए अपने आप को देशभक्त राष्ट्रभक्त बताने वाले ये कह रहे हो कि हम ट्रैक्टर रैली नहीं होने देंगे? अरे ट्रैक्टर रैली नहीं, ये आर पार की लड़ाई होगी, और हम भी इस बार देख लेंगे कि ये झूठी या संघियों की राष्ट्रभक्ति ज्यादा है या इस देश के जो असली मजदूर किसान हैं उनकी राष्ट्रभक्ति है। आप ये बताइए, हमें अपने घर में अपने देश में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए किसी सरकार से पूछना है? हाँ, उल्टा सरकारों को हमें समर्थन करना चाहिए, हमें पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से ये आडंबर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
और ये ना समझे कि ये शाहीन बाग की तरह यहाँ के टेंट उखड़ जाएंगे, ये इनकी सत्ता का टेंट उखाड़ने का इंतजाम है। और मैं बता रहा हूँ सोनू भाई, आने वाले समय में हम यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं ना टेंट, ये सब पक्के मकान होने वाले हैं, सीमेंट बालू के मकान होंगे। हम गर्मियों की भी तैयारी कर रहे हैं और ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से कि सर हम मानेंगे नहीं, और हम तभी मानेंगे जब तक ये कम्प्लीटली ये तीनों किसान विरोधी कानूनों का वापसी नहीं हो जाता। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कोई वार्ता, ये देखिए वार्ता आज मैं बता दे रहा हूँ निर्णय, ये कहीं आप लिख भी लीजिएगा, ये जितनी भी वार्ता कर रहे हैं इस किसी वार्ता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने मन बना लिया है, देश के किसान ने मन बना लिया है कि लड़ाई आर पार की, हमारी लड़ाई 26 जनवरी की आर पार की लड़ाई है, और ये हमारी लड़ाई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं बोल रहे, सबकी लड़ाई जाने वाले हैं, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ लोग कनाडा से अमेरिका, हाँ परेड तो मैं समझता हूँ भगवान को हम मानते हैं, लेकिन अगर भगवान भी ब्रह्मा भी उतर जाए ना इस धरती पे, तो ये 26 जनवरी का परेड नहीं रोक पाएंगे। परेड होगी और परेड को जो रोकेगा समझ लीजिए कि फिर भावनाओं में मैं बह जाऊंगा, फिर हमारे बांध को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सरकार कोई पुलिस रोक नहीं पाएगी। हम आपसे फिर से विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सुरक्षा दें, आप हमारे साथ आए, हमारा अपना हौसला बढ़ाएं, हमें रोकने की कोशिश ना करें। ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश यूपी बॉर्डर से जो है कुछ किसान भाई जो है मौजूद हैं। हालांकि 26 जनवरी को लेकर के जो भी वार्तालाप करने के लिए जो बातचीत की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये डाला गया याचिका कि सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले कि कितने किसान भाई आए ना आए, ट्रैक्टर ट्रॉली से आए, परेड करें ना करें, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने केंद्र सरकार को सौंप दिया, केंद्र सरकार ने जो है वापिस जो है दिल्ली पुलिस को जो है पूरा दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली पुलिस संभाले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे क्या निर्णय आने वाला है, किस तरीके से जो है किसानों के जो जो नेता हैं वो किस तरीके से फैसला लेने वाले हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखिएगा डेस्को न्यूज़, धन्यवाद।